नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। सुदर्शन फाकिर का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि चलते चलते यूं ही आंख लगी है फाकिर, भीड़ लोगों की हटा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। अक्सर जब कोई बेहोश हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और अगर किसी को दौरे पड़ने लगें तब तो समझिए कि हम बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके होते हैं, घबराहट में न जाने क्या क्या करने की कोशिश करने लगते हैं। मिर्गी यानी एपिलेप्सी एक ऐसा रोग है जिसके बारे में लोगों की जानकारी भी कम है और उससे जुड़ी भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। मिर्गी रोग की बात की जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं जिनका इलाज पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। उनको मिर्गी के दौरों को कंट्रोल किया जा सकता है सही इलाज सही समय पर अगर व्यक्ति को मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो समय नष्ट करते हैं, कहीं कुछ इसे ऊपरी हवा का प्रभाव मानते हैं तो कुछ झाड़ फूंक करवाने जाते हैं, जिससे विशेषज्ञों के लिए मुश्किल पैदा होती है और मुश्किल हो जाता है उनको होने वाले दौरों को मैनेज करना यानी उनका इलाज और प्रबंधन करना। हमारे समाज में पता नहीं क्यों हम में से बहुत लोगों की आदत है कि हम बीमारियों को छुपाना चाहते हैं। कोई दाग भी हो तो उसे ऐसे छुपा लेंगे कपड़ों में कि किसी को पता ना चले, और अगर बात हो मिर्गी की तो इसके बारे में तो अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि शायद ये पूर्व जन्म या इसी जन्म के बुरे कर्मों का कोई फल है या सजा है। बहुत से लोग इलाज नहीं करवाते, न जाने क्या क्या करते रहते हैं और ये समझते रहते हैं कि अब तो हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन मिर्गी के बारे में विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो क्या जरूरत नहीं है जानने की कि हमें क्या करना है? क्योंकि अगर बात की जाए पूरे लोगों की तो तकरीबन 10% लोगों में अपने जीवन काल में कभी ना कभी कोई दौरा उत्पन्न हो। सामान्य तौर पर हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स एक दूसरे से विद्युतीय तरंगों से संपर्क बनाते हैं, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन यदि व्यक्ति के न्यूरॉन्स में अचानक असामान्य और अत्यधिक विद्युत का संचार हो तो इससे व्यक्ति को झटके लगते हैं, जिसे दौरे कहते हैं। ये विद्युतीय तरंगे मस्तिष्क के किसी एक भाग या पूरे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ मामलों में दौरा पड़ने पर व्यक्ति मूर्छित भी हो सकता है। ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इस रोग से पीड़ित हर उम्र के व्यक्ति की परेशानियां अलग अलग हो सकती हैं। मिर्गी रोग के कई कारण होते हैं और इसका प्रभाव भी हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। मिर्गी के अधिकतर मामलों में दवाओं द्वारा इलाज किया जाता है। दवा का प्रभाव न हो तो सर्जरी और इलाज के अन्य विकल्प प्रयोग किए जा सकते हैं। मिर्गी के रोगी के लिए नियमित रूप से दवा लेना और सावधानी रखना जरूरी होता है। मिर्गी के रोगी का जीवन कैसा होगा, क्या वो सामान्य जीवन जी पाएगा, ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं। मिर्गी के कुछ रोगियों के साथ भेदभाव भी किया जाता है जो अनुचित है। मिर्गी रोग का जल्द इलाज करवाना जरूरी है। सही इलाज से मिर्गी के दौरों को नियंत्रित कर व्यक्ति के जीवन को सामान्य बनाए रखना संभव है। मिर्गी की जल्द पहचान के लिए आवश्यक है कि मिर्गी के लक्षणों के विषय में जानकारी हो, साथ ही मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या किया जाए ये जानना भी जरूरी है, जिससे मिर्गी के दौरे के दौरान व्यक्ति को चोट और क्षति से बचाया जा सके। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। जब बात दौरों की है तो दौरों में कौन सा दौरा मिर्गी का है ये समझने के लिए जरूर जाना होगा विशेषज्ञों के पास, और ये भी जानना पड़ेगा कि उसके बाद इलाज के विकल्प क्या हैं और इलाज कब तक चलेगा। आइए समझते हैं विशेषज्ञों से ही। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुवासिनी शर्मा, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एंड एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम कलावती सरन हॉस्पिटल। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एंड डॉक्टर पी सरद चंद्रा, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी एंड इंचार्ज सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर एपिलेप्सी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। एपिलेप्सी एक ऐसा रोग है, जब भी इसकी बात आती है तो लोगों को बहुत सा डर लगता है कि क्या इसके बारे में किसी को बताना चाहिए, कैसा व्यवहार उनके साथ किया जाएगा या फिर उनका जीवन कैसे बदल जाएगा जब लोगों को ये पता चलेगा कि उनको मिर्गी रोग है। लेकिन जानकारी ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से इसके
लिए होने वाली भ्रांतियां जो है मिर्गी के बारे में उन्हें दूर किया जा सकता है। और जानकारी के लिए जरूरी है प्रश्न पूछना। तो आज का जो हमारा विषय है एपिलेप्सी, इससे जुड़े कोई भी आपके सवाल हो या फिर इस एक घंटे के दौरान आप हमारे विशेषज्ञों से बात करना चाहते हो तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1-800-111-1234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फोन मोबाइल से ना करें। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealthddnews@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी से ही चर्चा की शुरुआत करें और ये जानने की कोशिश करें। डॉक्टर मंजरी, जब भी मिर्गी के बारे में बात होती है बहुत से लोगों को तो अक्सर यही समझ में नहीं आता, जैसा कई बार आप लोगों का कहना है कि ये दौरा क्या है क्या नहीं है। अगर हम प्रेविलेंस की बात करें, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि रोग दरअसल कितनी बड़ी समस्या है दुनिया में और देश में, तो ज़रा बताएं। ये बहुत ही आम बीमारी है और जैसे कि आपने कहा किसी को भी कभी भी हो सकती है, कोई उम्र इससे वंचित नहीं है। और अगर एपिलेप्सी प्रॉपर ले तो 100 में 1 को एपिलेप्सी की बीमारी होती है। अगर सीजर्स बोले जिसको दौरे हम बोलते हैं तो 100 में 10 लोगों को कभी भी जिंदगी में दौरे पड़ सकते हैं। जी डॉक्टर सुवासिनी, बच्चों की अगर बात करें, बच्चों में कई तरीके के दौरे देखे जाते हैं कि बचपन से शुरुआत होती है। अगर डिलीवरी के टाइम की बात करें, वहां पर कोई इंसल्ट हुई तो बहुत आम है, लेकिन बच्चों में होने वाले दौरे और एपिलेप्सी में क्या कुछ फर्क है? बच्चों में दौरे कई प्रकार से पड़ सकते हैं, हर दौरा एपिलेप्सी नहीं होता। एपिलेप्सी तब कहते हैं जब बार बार दौरे पड़े बिना कारण के और दिमाग में कोई प्रोपेंसिटी है कि बार बार दौरे पड़े। और कई तरह के दौरे हैं जो मिर्गी नहीं होते बच्चों में, जिसमें आम एक कारण है जैसे हम फेब्राइल सीजर कहते हैं, जिन बच्चों को सिर्फ बुखार की वजह से दौरे पड़ते हैं, वो बच्चे अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ये प्रॉब्लम 6 महीने से 5 साल के बच्चों तक में हो सकती है कि केवल बुखार से दौरे पड़े। और कुछ कई बारी कमी जैसे कैल्शियम की कमी से दौरे पड़ गए या किसी और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम की कमी से दौरे पड़ गए, कई बारी ग्लूकोज की कमी से दौरे पड़ते हैं, तो ये भी मिर्गी नहीं होती है। कि इन सब में जो कारण जब ठीक हो जाता है तो बच्चे को दौरे नहीं पड़ते हैं। हालांकि इसलिए जाना जरूरी है कि मिर्गी है या दौरों का कारण कुछ और है। जी तो बहुत जरूरी है ये समझ लें कि जो दौरा हो रहा है क्या वो वाकई मिर्गी है। डॉक्टर चंद्रा, आप इतने सारे पेशेंट्स को डील करते हैं एपिलेप्सी जैसी बीमारी और उसके साथ अगर सर्जरी करवानी पड़े तो लोगों के अंदर जो हिचकिचाहट है या फिर ये सोचना कि अगर किसी को पता चलेगा तो क्या नजरिया होगा समाज का, आप क्या देखते हैं कि सोसाइटी के लेवल पर जो अवेयरनेस का लेवल है या फिर एक्सेप्टेंस की बात है कि किसी को मिर्गी रोग हो गया तो उसको सामान्य तौर से देखा जाए जैसे सिरदर्द या कोई और बीमारी होती है, क्या वो बदलाव आप देख रहे हैं? कहाँ पर है हम, स्थिति क्या है, समाज की बात करें? देखिए स्थिति बदल रही है लेकिन अभी भी बहुत इसकी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि काफी रूरल एरिया इवन टायर 2 सिटीज में लोगों को गलत फहमी है कि मिर्गी एक लूनेसी के साथ या साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि मिर्गी एक प्राइमरली मेडिकल डिसऑर्डर है जिसका है 95% ऑफ द ट्रीटमेंट मेडिसिन से ही होती है, लेकिन 5% केसेस में होता, इसको हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं, जहाँ पे हम सर्जरी कर सकते हैं और सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल है आज के डेट में। जी डॉक्टर मंजरी, अब ये तो तय हो गया कि हर दौरा मिर्गी नहीं है, हम ये भी समझना चाहेंगे कि दौरे कितनी तरह के हो सकते हैं अगर हम मिर्गी के दौरों की बात करें, और क्या हर दौरे में बेहोशी होगी या नहीं होगी? अलग अलग प्रकार के दौरे होते हैं जी। हम दौरों को 2 मेन श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो होता है बड़ा वाला दौरा जिसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं, और एक होता है छोटा वाला दौरा जिसको हम फोकल या पार्शियल एपिलेप्सी बोलते हैं जी। तो जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है वो दिमाग के हर हिस्से से उत्पन्न होता है, अच्छा। पूरे दिमाग से, और उसमें भी अलग प्रकार के होते हैं, जैसे जनरलाइज टोनिक क्लोनिक जिसमें हाथ पैर ऐसे ऐसे हिले जी। अच्छा। या फिर जनरलाइज टोनिक जिसमें सिर्फ एट जाए, या फिर जनरलाइज मायोक्लोनिक जिसमें सिर्फ झटका आए, या तो फिर जनरलाइज्ड टोनिक एंड क्लोनिक। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, और एक हल्का छोटा वाला होता है जिसको हम जनरलाइज्ड एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं, जो बच्चों में पाया जाता है जहाँ पे बच्चा थोड़े सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो जाता है। तो ये तो रहा जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी वो होता है जो दिमाग के एक ही हिस्से से आ रहा है जी। और इसमें अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, जैसे कि फोकल एपिलेप्सी जिसमें सिर्फ फेस पे या हाथ पे हो रहा हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो फोकल मोटर होता है, या फिर सिर्फ एक ही हिस्से में शरीर में कुछ क्षणों के लिए झुंझनाहट या सुंधपना है, ये फोकल सेंसरी होता है। तो ये टाइप के फोकल सीजर्स होते हैं। जनरलाइज्ड और फोकल
ये दोनों अलग अलग प्रकार के दौरे और एपिलेप्सी होते हैं। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी के बारे में। हमारी ये चर्चा विशेषज्ञों के साथ जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। डी से डिफेंस हो या ई से इलेक्ट्रिसिटी, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। एचपी ल्यूब्रिकेंट्स ए टू जेड आपके काम आते हैं। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या जीआई पाइप्स चले सालों साल। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी के विषय में। अब ये समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर मंजरी कि अगर किसी को जब ये तय हो जाए कि उसे मिर्गी का दौरा है, कहा यह भी जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है तय करना, कैसे तय होगा संक्षिप्त में बताएं और फिर उसके बाद। एक तो बहुत जरूरी है, जिसने आंखों देखी वो दौरा देखा है, वो मरीज के साथ आए और वो हमको बताए कि कैसे शुरू हुआ था और कैसे खत्म हुआ था और उस दौरान क्या हुआ था। उसके अलावा जो है हम फिर अपनी जो हिस्ट्री होती है वो लेते हैं और मरीज का एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी नाम की एक जांच होती है जिसमें सर पे तार लगाए जाते हैं और ये टेस्ट दर्दनाक नहीं है, पेनलेस टेस्ट है ये होता है। और एमआरआई या सीटी स्कैन, तो उससे हमको पता चलता है कि ये मिर्गी जो है इसमें दवाई शुरू करनी है या नहीं, स्पेशली अगर एक ही दौरा हुआ है। ये सब जांचें आमूमन 70% लोगों के लिए काफी है। 30% लोगों में दौरे दवाइयों से बंद नहीं होते हैं, उनमें फिर एडवांस जांचें होती हैं, जैसे एपिलेप्सी प्रोटोकॉल एमआरआई, पेट और स्पेक्ट और मैग्नेटो एनसेफलोग्राफी। राइट डॉक्टर चंद्रा, एक तो हुआ कि मेडिकेशन से कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सर्जरी के जो विकल्प है वो कब आता है? क्या उसको एक पहला विकल्प देखा जाता है या फिर तब जब सारी दवाइयां इस्तेमाल हुई और असर नहीं हुआ, लास्ट ऑप्शन की तरह देखें सर्जरी को? ये आपने बहुत ही अच्छी सवाल प्रश्न पूछा है। जैसे डॉक्टर मंजरी बता रही थी, ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी इज नॉट लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब है वो मरीज का न्यूरोबायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि वो पहले ड्रग से ही हम बोल सकते हैं कि यह ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है। अगर मरीज को हम कोई भी एक ड्रग देते हैं, अगर ये ड्रग फेल हो जाता है तो उसको सेकेंड ड्रग एक्ट करने का चांसेस करीबन 50% होता है। तो अगर वो सेकंड ड्रग भी फेल हो जाता है तो थर्ड ड्रग मतलब उसमें एक्ट करने का चांसेस 5% से भी कम होता है। इसका मतलब, और ये इक्वेशन नई ड्रग से बदलते नहीं है, इसका मतलब है आज मार्केट में करीबन 25-30 ड्रग्स हैं। अगर एक एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट कोई दो ड्रग्स को चूज करे या एक ड्रग को चूज करे उसके बाद दूसरा ड्रग ऐड करे इन प्रॉपर डोसेज एंड कॉम्बिनेशन और ये दो ड्रग्स फेल होते हैं, इसका मतलब है दिस इज अ ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। हमें वेट नहीं करना चाहिए जब तक हम सारे ड्रग्स एग्जॉस्ट कर लें। दूसरी बात है, आपने पूछा है कि ये क्या लास्ट ऑप्शन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के डेट में एपिलेप्सी सर्जरी इज वेरी वेरी सक्सेसफुल। वी आर डन ओवर 2000 केसेस इन एम्स। इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द कंट्री इन वेरी टर्शियरी सेंटर्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द सक्सेस रेट इज वेरी हाई एंड इट इज वेरी सेफ। जी डॉक्टर सुवासिनी, ये जो बात आई कि जब भी दौरा पड़ता है उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब दौरा पड़ता है किसी व्यक्ति को तो आसपास के जो लोग हैं और खासतौर पर अगर बच्चा है, माता पिता थोड़े पैनिक हो जाते हैं। दौरा अगर पड़ रहा है, किस तरह से उस समय पर फर्स्ट एड दी जाए और प्रबंधन कैसे होगा? उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि पैनिक ना करें, शांत रहें, घड़ी से टाइम देख लें कि दौरा कब शुरू हुआ है। आमतौर पे दौरे अपने आप ही 2-3 मिनट पे अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो जब दौरा पड़ रहा हो उस टाइम पे बच्चे को कोई बच्चे के मुँह में कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए, जैसे चम्मच वगैरह कई बार लोग डाल देते हैं, कोई चीज़ जूता वगैरह नहीं सुखाना चाहिए उस टाइम पे, बच्चे के टाइट कपड़े वगैरह ढीले कर दें, आसपास कोई चोट पहुंचाने वाला सामान नहीं होना चाहिए। और जब दौरा पड़ रहा होता है उस टाइम पे कोशिश ना करें कि दौरे को हाथ से बंद करें। जी। आप ये करना है कि जब दौरा ख़त्म हो जाता है तो बच्चे को एक तरफ करवट करके लिटा दें, मुँह में जो भी झाग वगैरह होगा पहुँच दें और बच्चे के साथ रहें। जब तक बच्चा पूरी तरह से होश में नहीं आ जाता उसके मुँह में कुछ भी नहीं डालना,
ये ध्यान रहना चाहिए कि बच्चा अगर नीला पड़ता हो, सांस में कोई दिक्कत हो या दौरा 5 मिनट से ऊपर लंबा चले, तब तुरंत अस्पताल लेके जाना है बच्चे को। वरना आप वेट कर सकते हैं, बच्चा जब पूरी तरह से होश में आता है तभी उसे कुछ खिलाना है, उसके उस टाइम पे बच्चे के मुंह में कुछ नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मंजरी, यही बात अगर बड़ों के लिए कहें तो क्या बड़ों के लिए भी फर्स्ट एड के तौर पे यही चीजें होंगी? क्योंकि बहुत से लोगों को तो समझ में नहीं आता। जो चीज करनी चाहिए वो है कि मरीज को सिर्फ करवट दे के लेटाएं और उसके पास अगर कोई खतरनाक चीज है, जैसे पत्थर या कोई शार्प चीज है, उसको हटा दे। अगर कुछ खाते हुए दौरा पड़ गया हो, आपके हाँ, खाते हुए दौरा पड़े तो बहुत जरूरी है अगेन कि तुरंत लेटा के उनके मुंह से जो खाना है वो निकाल के। आजकल हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो दौरों को बंद करती हैं, जैसे नाक के द्वारा एक पंप होता है, अगर दौरा सामने पड़ रहा है वो नाक में डाल के दवाई दौरा बंद किया जा सकता है। अगर 5 मिनट से ज्यादा दौरा चल रहा है ऐसे ऐसे तो उसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। ऐसे मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है, जल्दी से जल्दी। जी। डॉक्टर चंद्रा, इलाज की आप बात कर रहे थे और आपने कहा कि सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या जो एक बार सर्जरी करवा ली जाए उसके बाद दवाओं की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, या अगर लाइफ की बात की जाए कि कैसा जीवन रहेगा तो क्या कुछ ध्यान रखना पड़ेगा सर्जरी होने के बावजूद? जी देखिए, जब हम एपिलेप्सी बोलते हैं बेसिकली इट्स ए न्यूरोनल हाइपर एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो शॉर्ट सर्किट्स, जो करंट ऐसे जाती है तारों में, जो कोशिका में जाती है, ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाने लगती है। तो एक एरिया ऑफ ब्रेन होता है जो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी फेंकता है, जिसके वजह से दौरा होता है। तो जो हम सर्जरी करते हैं इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, ये कोई स्पेसिफिक टर्म ये नहीं है कि सर्जरी एक ही तरह की होती है। तो वेरियस कैटेगरीज ऑफ सर्जरी एक है कि जहाँ पे दौरा पड़ रहा है उसको हम निकाल देंगे, एक और सर्जरी है कि उस एरिया को बाकी ब्रेन से हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, या एक लेस इफेक्टिव तरीका है जहाँ हम एक पेसमेकर लाइक डिवाइस लगाते हैं जो उतना इफेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी कुछ केसेस में हम कर सकते हैं। आप दवाई बंद करें ना करें यह डिपेंड करेगा कि हमने किस तरह की सर्जरी किया है और बच्चे को किस तरह के मिर्गी की बीमारी है। मान लीजिए उसको ऐसी बीमारी है जो बचपन से है या पैदाइश से है, तो उसमें हम दवाइयाँ बंद नहीं करना चाहते हैं, हो सके लाइफ लॉन्ग चलाना पड़े। कुछ ऐसे मिर्गी की बीमारी हो जो अक्वायर्ड कॉसेज की वजह से हो, इसमें एक साल के बाद हम टेपर करके कर सकते हैं। लेकिन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्जरी इज टू मेक द पेशेंट सीजर फ्री, नॉट टू मेक द ड्रग फ्री, बिकॉज सीजर्स के वजह से, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट, हर समय जब शॉर्ट सर्किट होता है कुछ कोशिकाएं परमानेंटली डैमेज होता है, तो ये चलता रहेगा सालों भर तो उसकी इंटेलिजेंस खराब हो जाएगा, जिसको हम एपिलेप्टिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर खराब हो जाएगा, वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए दौरे बंद करना बहुत जरूरी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो अभी डॉक्टर शरद आप बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि दौरे ना पड़े, दौरों से मुक्त होना चाहिए व्यक्ति को। डॉक्टर मंजरी, मैनेजमेंट के तौर पे और जिंदगी भर के तौर पे दो सवाल। पहली बात तो ये कि क्या एक बार जब ये डायग्नोज हो गया कि मिर्गी है और दौरे कंट्रोल भी हैं दवाइयों से, तो दवाई कब तक चलेगी, एक। और दूसरा सवाल जो डॉक्टर शरद चंद्रा बता रहे थे कि सर्जरी के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो क्या दवाइयाँ सब बंद हो जाएंगी या थोड़ी कम हो जाएंगी? ऐसा है कि हर एपिलेप्सी, अलग अलग प्रकार की एपिलेप्सीज होती हैं, अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, तो दवाइयाँ जो चलती हैं एक या दो, वो कई मरीजों में हो सकता है 2 साल चले, और डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की एपिलेप्सी है, कई एपिलेप्सीज होती हैं जिसमें बहुत लंबी चलती है, हो सकता है कि 10-15-20 साल भी चले, तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि दवाई कितनी लंबी चलेगी। एपिलेप्सी का कोई कोर्स नहीं होता है कि 1 महीने का कोर्स हुआ या 1 साल का कोर्स हुआ। दवाई खाते हुए मरीज वो सब कर सकता है जो आम आदमी कर सकता है, पढ़ सकता है, काम कर सकता है और शादी कर सकता है और बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। ये जरूरी है जानना कि एपिलेप्सी जो है वो कुछ क्षणों के लिए होती है और पूरी जो उसका शरीर है उस पर एपिलेप्सी का प्रभाव नहीं है, और एपिलेप्सी का जो मरीज है उसको डिस्क्रिमिनेट या उसको सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि ये जो है ये कुछ क्षणों के लिए होती है और बाकी क्षणों के लिए, बाकी टाइम के लिए मरीज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। लेकिन ये जो मरीज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं डॉक्टर सिवासिनी, लोगों को ऐसा नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो टीचर्स और जो दूसरे उनके कलीग्स हैं, बच्चे हैं साथ में, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए स्कूल के तौर पर और किस तरह का सपोर्ट वहाँ से मिलना चाहिए? सबसे ज़रूरी है जैसा कि डॉक्टर मंजरी ने कहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इस बच्चे के अगेंस्ट। ये बच्चा सब कुछ कर सकता है, बस कुछ चीज़ों एक्टिविटीज़ में थोड़ा ध्यान की ज़रूरत है, इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एक्सपेक्टेशंस टीचर की उतनी ही होनी चाहिए जितनी बाकी बच्चों से है, और कुछ एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, इन सब में ये ध्यान रहे कि कोई साथ होना चाहिए बच्चे का, बच्चा सुपरवाइज होना चाहिए, तो हर बच्चे के लिए ही ज़रूरी है इनफैक्ट।
अदरवाइज बच्चा पूरा नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है। कोई ऐसे खास स्पॉट्स जो उनको अवॉइड करने चाहिए अगर दौरे पड़ते हों? ज्यादा दौरे पड़ते हों तो बहुत ज्यादा जिन बच्चों को है उनको हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के लिए मना करते हैं, अदरवाइज स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं लेकिन अंडर सुपरविजन, इतना ही ध्यान रखना है बस। डॉक्टर शरद चंद्रा, जो बात बड़ी महत्वपूर्ण आती है वो ये कि इलाज चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं या सर्जरी भी हो गई, उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो किस तरह की होगी किसी भी व्यक्ति की? क्योंकि बार बार ये बात आ रही है लोगों के मन में, ये प्रश्न भी रहता है। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि दवाइयों पर थे या सर्जरी के बाद जब लगा कि सब ठीक है तो दवाइयाँ भी बंद कर दी, ये क्या ध्यान रखना है? देखिए, जैसे मैंने कहा है एपिलेप्सी एक अम्ब्रेला टर्म है, तो सर्जरीज भी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज होती है। अगर हम कुछ सर्जरीज हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है जिसमें द चांस ऑफ सीजर कंट्रोल इज 70-80%, जो विद ड्रग्स उन्हीं को अगर हम ड्रग्स दें तो इट्स लेस देन 1%। तो अगर 70-80% कंट्रोल हुआ, मतलब 70-80% केसेस में चांसेस है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो मरीज बिल्कुल आम जिंदगी जी सकता है, ही कैन डू एवरीथिंग, और ड्रग्स भी अगर एक दो साल में बंद भी कर सकते हैं। कुछ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एपिलेप्सीज होते हैं, जैसे कि एक बच्चा है जिनको 300-400 सीजर्स पड़ सकते हैं, उसमें हम कुछ पैलिएटिव सर्जरीज करते हैं, मतलब क्यूर के लिए नहीं करते हैं लेकिन सीजर बर्डन कम करने के लिए करते हैं, जैसे कि कॉर्पस कैलोसोटोमी है, बीच में जो दोनों ब्रेन के जो कनेक्शन है उसको हम काट देते हैं, जिसकी वजह से मरीज को 3 या 4 दिन में एक दौरा पड़ता है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत आसान हो सकता है। उसकी वजह से भी पेरेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ जाता है, पेरेंट्स एंड केयर टेकर्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ओवरऑल इफ यू हैव टू डू सर्जरी, इट इज डेफिनेटली वेरी इफेक्टिव, इट कैन बी क्यूरेटिव, इवन इफ इट इज पैलिएटिव, इट लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। डॉक्टर मंजरी, ये तो ट्रीटमेंट की बात हमने की, आपने मैनेजमेंट तो बताया कि दौरे के दौरान किस तरीके से फर्स्ट एड होना चाहिए, लेकिन कौन से वो साइंस आप बताना चाहेंगे कि अगर दौरा वैसा हो रहा है या लक्षण हो रहे हैं तो उसको एज एन इमरजेंसी लिया जाए? जैसे मैंने की कहा कि अगर जो लगातार टोनिक क्लोनिक सीजर हो रहा है जिसमें मरीज बेहोश है, और बेहोशी और ये हाथ पैर हिलना 5 मिनट से ज्यादा लगातार चलता जा रहा है, उसको हम इमरजेंसी मान के चलते हैं और तुरंत के तुरंत उस दौरे को रोकना होता है। अमूमन तौर पे दौरा 2 मिनट में अपने आप खत्म हो जाता है। लोग सोचते हैं कि जूता सुंघाया, प्याज सुंघाया, उससे बंद हुआ, नहीं, जूता और प्याज नहीं सुंघाना होता है, सिर्फ करवट दे के लेटाना होता है और 2 मिनट में दौरा बंद हो जाता है अपने आप, जूता सुंघाने से नहीं होता। बट 5 मिनट से अगर ज्यादा चल रहा है, तुरंत या तो नाक के द्वारा दवाई देनी है या फिर तुरंत उसको अस्पताल ले जाना है ताकि इंट्रावेनियस ड्रग्स या फिर और भी इंट्रामस्कुलर ड्रग्स यूज हो सकते हैं। तो ये जो है ये इमरजेंसी इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर लगातार दौरा चल रहा है तो उसमें फिर डेथ की चांस ज्यादा होती है। विशेष परिस्थिति में विशेष फैसले करने पड़ते हैं। अभी अभी खबर आ रही है, जैसा कि अब से थोड़ी देर में हमारे चैनल पे हम लोग यहाँ से अब न्यूज़ बुलेटिन शुरू करेंगे, हमें अपना प्रोग्राम वाइंड अप करना पड़ेगा, तो उससे पहले डॉक्टर सुभाषिनी, चलते चलते हम आपसे ये समझना चाहेंगे संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों को ये समस्या है, उनके माता पिता को, अभिभावकों को क्या करना है? पहली बात तो आपका बच्चा, ये समझें कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत नहीं, पूरी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है ट्रीटमेंट के साथ, बच्चे के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डॉक्टर को दिखाएं, इलाज समय से करवाएं, दवाइयाँ बराबर टाइम से दें बच्चा, और इमरजेंसी प्लान आपका होना चाहिए, आपके पास घर पर देने की दवाई होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि बच्चे को घर पर दौरे पड़ते हैं तो क्या करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर मंजरी, क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल क्या करना चाहिए? मिर्गी के जो मरीज हैं वो सिर्फ कुछ क्षणों के लिए इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, बाकी टाइम के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, लड़कियां शादी कर सकती हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं। डॉक्टर शरद चंद्रा जी, मिर्गी एक प्राइमरी मेडिकल डिसऑर्डर है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिसिन से हो सकता है, लेकिन अगर ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी हो इसमें हमें सर्जिकल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए। ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी इज नॉट ए ट्रीटमेंट ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, ये नहीं कि सारे ड्रग्स हमने एग्जॉस्ट कर लिया तो हम इसको ड्रग रेजिस्टेंट बोले, अगर 2 ड्रग्स फेल हो गया इन प्रॉपर डोसेज एंड कॉम्बिनेशन इसका मतलब इट्स अ ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी एंड द पेशेंट शुड बी एक्सप्लोर्ड फॉर सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जरी आज के दिन में हमारे देश में इट इज़ वेरी सेफ, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, रिजल्ट्स आर इक्वलेंट टू एनी बेस्ट सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड, सो दिस ऑप्शन शुड बी ओपन वेरी अर्ली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिजीज। इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। मिर्गी एक ऐसा रोग है जिससे डरने की नहीं बल्कि सही तरह से इलाज करवाने की जरूरत है जिससे रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। जानकारी का अभाव हमेशा खतरनाक होता है, जागरूक रहें और जानकारी बढ़ाएं।
अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।